हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियास ट्यूटोरियल। तो आज का इस वीडियो में हम जानेंगे लॉटरी लिस्ट से एडमिशन तक का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का पूरा डिटेल्स जानेंगे, जिनके सिलेक्शन लिस्ट में कंफर्म हो गया है उनको क्या करना होगा, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनको क्या करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक प्रियास ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही केवीएस से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए और ज़्यादा से एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्रॉ लिस्ट आने के बाद पहले भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ जिसमें ये बोली हूँ कि क्या करना होगा, तो फिर भी कमेंट आ रहे हैं कि हमको ईमेल या कॉल क्यों नहीं आए हैं और हमको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पता चलेगा जो सिलेक्शन लिस्ट। तो ये सब के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, आप जाके मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्कूल का वेबसाइट ओपन की हूँ, आप जो स्कूल में आप जो है अप्लाई किए हैं उस स्कूल के वेबसाइट से आपको पता करना होगा आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्कूल का वेबसाइट ओपन की हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है जो जो पेरेंट्स उनके जिनके बच्चे का जो है सिलेक्शन लिस्ट में कंफर्म हो गया है उनको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होगा, किनके पास, उनके जो सिक्योरिटी के काउंटर के एक बॉक्स होगा उसमें आप जो के वहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे इस स्कूल में वो मांगे हैं एक सिंगल एनवेलप में सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसका नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, कैटेगोरी बोल्ड, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपका बच्चा का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनके स्कूल के वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, उनमें आपको लिखना होगा उसका एप्लीकेशन कोड लिखना होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ और जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे होंगे उनके वेबसाइट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरना होगा। उसके साथ साथ आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप ओबीसी है या आरटी के अंडर आते हैं, उन सारे डिटेल्स आपको भरना है, घर से क्या कितने दूरी है वो भरना है। तो ये स्कूल का यहाँ पे दिया गया है कितने टाइम में के अंदर देने होंगे, 12 अगस्त से 13 अगस्त का 8 AM to 4 PM तक आपको वो है एनवलप जमा करना होगा। और आप उसके बाद आपको टेलीफोन करके वो फोन करके आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ भी गलत हुआ होगा आपको वो कॉल करके बुलाएंगे, उसके बाद जाके आपका जो है एडमिशन हो सकता है। और ये चीज जो है पासपोर्ट साइज फोटो, डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो जो कैटेगरी में वो आते हैं, घर से डिस्टेंस, तो वो सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सिंगल चाइल्ड का उसका डॉक्यूमेंट, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस स्कूल के वेबसाइट में डाउनलोड करके उसके साथ इसको अटैच करके आपको हो जो है उनके सिक्योरिटी काउंटर के पास जो बॉक्स है उसमें डालना होगा। कोई कोई किसी किसी स्कूल में उनके उनको ईमेल करने के लिए बोले हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में आप अप्लाई किए हैं, कौन से उसके स्कूल का जो है क्राइटेरिया क्या है, उनके स्कूल के स्ट्रेंथ वाइज और उनके स्कूल वो क्या डॉक्यूमेंट आपको मांग रहे हैं। तो जो है स्कूल का वेबसाइट चेक कीजिए और उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट अगर सही हो जाएगा तो वो आपको कॉल करके या ईमेल करके आपका जो है एडमिशन के लिए आपको बुलाएंगे और आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। और जिन पेरेंट्स का बच्चे का जो है वेटिंग लिस्ट में आया है नाम, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको मैं ये बोलूंगी कि वेटिंग लिस्ट में आ गया है मतलब आपका वेटिंग लिस्ट में अगर 1 से 50 तक है तो आपका चांसेस बहुत है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे इनवैलिड हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे भी एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उसमें आपका पॉसिबिलिटी है आपका जो है एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट भी आएगा तो आपको वेट करना होगा और आपका जो है एडमिशन होता है कि नहीं होता है उनके उनको अगर आपके वेट लिस्ट में आया है स्कूल से आपको कॉल या ईमेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट जो ड्रॉ लिस्ट के बाद एडमिशन कैसे करेंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको वो कॉल करके बुलाएंगे अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो। तो ये थी मेरी वीडियो। तो इस वीडियो में मैं एक स्कूल का वेबसाइट ओपन करके उनका एडमिशन नोटिस में आपको बोल रही थी। तो इसी तरह आप जिस स्कूल का जो स्कूल में आपका कंफर्म हुआ है उस स्कूल का वेबसाइट ओपन करके उनका एडमिशन नोटिस क्या है वो क्या
आपको नोटिस किए हैं वो उसको देखेंगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट उनको भेजना होगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको बुलाएंगे एडमिशन के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।